डॉक्टर अमित सिन्हा यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बात उनसे समझ लेता हूं सर कि जैसे यहां अदालतों को इंटरवीन करना पड़ा और सिस्टम अगर स्मूथली फंक्शन कर रहा होता तो ये जरूरत नहीं पड़ती। क्या सिन्हा साहब जब कहते हैं कि कोविड अक्सर आपको ऑफ गार्ड पकड़ता है, मतलब आप जब एकदम सावधानी हटाकर बैठे हुए होते हैं तब आप पकड़ में आते हैं कोविड के, क्या ऐसा वहां पर भी हुआ सिस्टम? क्या वहां पर भी एकदम से आई वेव से निपटने में नाकाम रहा था? क्या वहां पर भी यहां देखना पड़ा था सिस्टम को, उस पर वॉच रखने वाली इंस्टीट्यूशंस को कि वो उनको कहें कि आप कहां हो, सो रहे हो, जागो? नहीं, अब पहले सब दर्शकों को नमस्कार करें। आपने एकदम सही कहा, क्योंकि सच पूछिए तो यहां भी फर्स्ट वेव के बाद यूके में काफी तेजी से रिलैक्सेशन हो गया। सब कोई अपना अपना काम करने लगे और सब चीज पार्टियां होने लगी और साथ साथ ट्रैवल टूरिज्म जो यहाँ बहुत ही इसकी महत्ता है इस देश में, यूरोप में इनफैक्ट, बहुत तेजी से वो बढ़ा। उसके कारण से यहाँ पर सेकेंड वेव आई। और सच पूछी तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यूके में बहुत तेजी से सेकेंड वेव आई। आपको जनवरी फरवरी में तो हालत खराब थी यहाँ पर, लेकिन थैंक गॉड सरकार ने पहले से भी तैयारी की हुई थी। यहाँ पर रेनबो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स काफ़ी वेल इक्विप्ड हैं। उस कारण से लॉकडाउन लगाया गया और जो हॉस्पिटल इक्विप्ड थे उसके कारण से ये कंट्रोल हुआ। नहीं, वहाँ पर आपके यहाँ टिडबिट्स में लॉकडाउन लगे, कहीं अधूरे लगे, कहीं पूरे लगे, या एक साथ एक तरह का लॉकडाउन सब जगह लगाया गया? आप सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि शुरू में सरकार ने चाहा कि इसको कंट्रोल करें पार्शियल लॉकडाउन से। तो जैसे कहते हैं ना कि ग्रीन लाइट, येलो लाइट, एम्बर लाइट, डिपेंड करता है कि आर रेट जो मॉनिटरिंग होती है, आर रेट कैसा है और डिपेंड करता है कितने न्यू केसेस आ रहे हैं और कितने हॉस्पिटल एडमिशन हो रहा है। तो वो जो पार्शियल लॉकडाउन हुआ, नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल काम नहीं किया। जब ये केसेस बढ़ने लगे और काबू से बाहर हो गया, वो क्रिसमस के दौरान पता चला, क्रिसमस के आसपास, कि ना अब कोई उपाय नहीं है बट कि लॉकडाउन करें, तो वही हुआ। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी ये बहुत बड़ी सीख है इसमें जो डॉक्टर सिन्हा बता रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर लोगों को सुनना चाहिए कि एक साथ, और जिस बारे में कहा भी जा रहा है कि एक साथ लॉकडाउन के बारे में सोचा जाए। मैं डॉक्टर साहब आप दोनों के पास भी आने वाला हूँ, डॉक्टर साल्वे आपके पास आ रहा हूँ, डॉक्टर हेमंत आपके पास भी आने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल समझने ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए इसको पहले मैं थोड़ा सा और निपटा लेना चाहता हूँ और उसके बाद आपके पास आऊँगा। उमेश जी के पास जा रहा मैं ये जाकर समझना चाहता हूँ, सर ताकीद तो की गई थी लेकिन ताकीद या तो ढंग से नहीं की गई या सिस्टम ने उस पर कान नहीं दिया। नहीं, ये देखिए, अब सॉल्यूशन, पहले तो लॉकडाउन एक सॉल्यूशन मानी गई क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। अब इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है, वैक्सीन भी बन गई है, वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाने का एक पहला टास्क है, उसके लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, उसके लिए इनफैक्ट इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन चाहिए, अगर आप लॉकडाउन कर देंगे, स्टील प्लांट्स बंद कर देंगे, रिफाइनरीज बंद कर देंगे और रेलवेज बंद कर देंगे तो आपकी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो आपको पूरा लॉकडाउन का तो आप वो आपके पास ऑप्शन रही नहीं, और पूरे लॉकडाउन को मुझे कोई फ़ायदा भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, आपके सारे प्रिकॉशन जितने डॉक्टर्स बोल रहे हैं सारे सिटीजन को लेने चाहिए, जो नेता है उनके अगेंस्ट सख्त एक्शन होना चाहिए। और आपके पास अब विकल्प बना हुआ है, दवाइयाँ हैं, ज़रा हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, ये एक सोल्यूशन है जो कि एक चीज़ सॉल्व की जा सकती है। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं सॉल्व हो सकती। अब आपके पास क्रायोजेनिक ट्रक्स नहीं है या क्रायोजेनिक कंटेनर्स नहीं है तो आप उनको इंपोर्ट करिए, जल्दी से बाहर से लाइए और लाए भी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इससे हमको फ्यूचर में ये सीखना चाहिए कि हर अस्पताल में कैप्टिव यूनिट्स बनाने चाहिए, हर बड़े अस्पताल में जिस आप बना रहे हैं अब ये परमानेंटली बना लेने चाहिए, चाहे ये प्रॉब्लम आए फ्यूचर में या ना आए, हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब तीसरे वेव की हम बात कर रहे हैं, अब तीसरे वेव किस टाइप का आएगा, कौन सी म्यूटेशन होगी इसमें, क्या कोई साइंटिस्ट आज प्रिडिक्ट कर सकता है कि किस तरीके से ये वायरस म्यूटेट करेगा? अब ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल है तो आप यही कह सकते हैं कि थर्ड वेव आएगा, अब तैयार रहिए, क्या तैयार रहिए, उसमें क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, हॉस्पिटल की शॉर्टेज होगी, क्या ये दवाइयाँ नहीं चलेंगी, या वैक्सीन भी फेल हो जाएगी, क्या पता हमने क्या होना है। तो फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।